अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू आवर पाकिस्तानी एंड इंडियन व्यूअर्स। 75 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी को, सो बहुत मुबारक हो सबको। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। द रीज़न आई चोज दिस वाज बिकॉज ऑब्वियसली यू नो 75th एनिवर्सरी थी पाकिस्तान की, और हर तरफ टीवी वगैरह आप देखें तो यू नो ऑब्वियसली कंग्रेचुलेशंस वगैरह हो रही होती थी और मुबारकबाद वगैरह। बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग विद ऑल द पॉलिटिकल ड्रामा गोइंग ऑन एज वेल अराउंड हियर, राइट। मैंने फिर सोचा कि यार चलो 75 ईयर्स हो गए, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि यू नो लेट्स लुक एट द जर्नी ऑफ पाकिस्तान एंड कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज़। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, आई हैव कलेक्टेड डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जिसमें मैंने उन कंट्रीज़ को कंपेयर किया जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर थी पहले और लगभग एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंट हुई थी, और आज वो कहाँ पे हैं यू नो। और पाकिस्तान को मैंने कंपेयर किया उनसे विद वेरियस एस्पेक्ट्स, यू नो जिसमें GDP है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। यू गाइस, सो आई हैव द प्रेजेंटेशन हियर कॉल्ड पाकिस्तान 75 ईयर्स लेटर, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आई वुड लाइक टू लिस्ट द इंफॉर्मेशन सोर्सेज जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन ली है। ये वेबसाइट्स हैं macrotrends.net, यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आई है। बड़ी अच्छी वेबसाइट है, आप भी इसको चेकआउट करें। इसमें हर कंट्री की डिटेल्स हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, तो ये इट्स वेरी गुड। एक ही जगह आपको काफ़ी डेटा मिल जाता है। उसके अलावा बाकी भी वेबसाइट्स हैं, IMF की वेबसाइट भी मैंने चेक की थी, विकीपीडिया भी है और इन्वेस्टोपीडिया भी है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टेबल फर्स्ट। लाइक आई सेड, यू नो व्हाट आई हैव डन इज़ कि आई हैव लुक्ड एट द कंट्रीज विच वर ब्रिटिश कॉलोनीज, ताकि दे वर सिमिलर टू पाकिस्तान एंड मोर और लेस वो किस टाइम इंडिपेंडेंस उनकी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, वी नो वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश 14 अगस्त 1947 को हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। इंडिया इज 15 अगस्त 1947। सिमिलरली मलेशिया, श्रीलंका, मलेशिया वॉज 1963, पाकिस्तान से काफ़ी अरसे बाद हुआ था इंडिपेंडेंट। श्रीलंका वॉज 1948, सिंगापुर 1965, और इंटरेस्टिंगली आई फाउंड आउट कि सिंगापुर वॉज पार्ट ऑफ मलेशिया, तो मलेशिया अलग हुआ तो सिंगापुर उससे अलग हो गया। जिस तरह बांग्लादेश था 1971 में यू नो वो पाकिस्तान से अलग हो गया। सो दीज वर द सिक्स कंट्रीज टोटल, इन टोटल जो बाकी पाँच इनको पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे इन डिफरेंट एरियाज़। और उसके अलावा इट वुड बी ऑल्सो गुड टू लुक एट द मैप फर्स्ट टू सी के वेयर दीज कंट्रीज़ आर लोकेटेड और उनका साइज़ वगैरह क्या है। यू कैन सी पाकिस्तान यहाँ पे, पाकिस्तान के साथ इंडिया है, ठीक है, प्रिटी बिग। बांग्लादेश फिर ऑन द अदर साइड ऑफ इंडिया है, और श्रीलंका इंडिया के साउथ में, और मलेशिया और सिंगापुर इस तरफ हैं, राइट। और अगर साइज़ की बात करें तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट, फॉलोड बाय पाकिस्तान, देन मे बी सिंगापुर, एंड देन बांग्लादेश, मलेशिया एंड श्रीलंका। अच्छा, नेक्स्ट इज़ सम एरियाज दैट आई विल बी कंपेयरिंग इसमें फॉर दीज कंट्रीज। इसमें मैंने इकॉनमी कंट्री इकॉनमी के एस्पेक्ट्स हैं जो कंपेयर किए हैं। आई लुक्ड एट डिफेंस, क्राइम रेट्स, एज वेल एज IMF सिचुएशन एंड सम अदर थिंग्स एज वेल। सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट स्नैपशॉट की, ठीक है, तो आज जो है यू नो दिस इज़ अ लेटेस्ट स्नैपशॉट कि आज ये कंट्रीज वेयर डू दे स्टैंड टुडे, ठीक है। व्हाट वी हैव हियर इज दैट पॉपुलेशन वाइज यू कैन सी दैट इंडिया हैज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन आज 140 करोड़, ठीक है। सिंगापुर हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, लेस देन 1 करोड़, और पाकिस्तान जो है 22 करोड़ पे है, बांग्लादेश इज सिमिलर 20 पे या 19 करोड़, और मलेशिया और श्रीलंका और ऑल्सो वेरी लेस। उसके अलावा GDP की अगर देखें तो इंडिया इज़ अ ह्यूज GDP, 3 ट्रिलियन प्लस, ये ऑलमोस्ट UK को टक्कर दे रहा है, ठीक है, और श्रीलंका की GDP सबसे कम है। इसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, दे आर मोर लेस सिमिलर बिटवीन द यू नो 350 to 450 रेंज, लेट्स से इनकी सिमिलर है GDP बाकी कंट्रीज़ की। और अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो इस वक्त इंडिया के सबसे ज़्यादा हैं, 500 ऑलमोस्ट 600 बिलियन है, फॉलोड बाय सिंगापुर विच 300 बिलियन, ठीक है, और देन मलेशिया 100 बिलियन, बांग्लादेश 40 बिलियन के आसपास है, और पाकिस्तान की 8 बिलियन है, सबसे कम है। सो यू नो इंटरेस्टिंग कि सारी कंट्रीज़ का, इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ का GDP पाकिस्तान की तरह ही है, येट हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं दे आर डिप्लीटिंग। बट दैट्स द लेटेस्ट स्नैपशॉट। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट अ बिट ऑन द हिस्टोरिकल डेटा कि यू नो ऑलमोस्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जितना डेटा मुझे मिल सका है, सम ऑफ दीज थिंग्स के हाउ डू दे लुक एंड यू नो हाउ डिड द एवोल्यूशन, हाउ डज द एवोल्यूशन लुक फॉर दीज मेट्रिक्स। सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि यू नो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। आई मीन इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया में
ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग थे जो कि अभी पाकिस्तान में अभी भी नहीं है टोटल. तो यू नो इट हैज़ ह्यूज पॉपुलेशन, इट इज़ बीन ग्रोइंग एवर सिंस. लाइक आई सेड अभी 140 करोड़ पे बैठी हुई है. इसके बाद यू नो द नेक्स्ट नंबर है पाकिस्तान का एंड देन बांग्लादेश, वाइल द अदर्स आर वेल बिलो 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 पाकिस्तान. और दूसरी ये इंटरेस्टिंग है कि यू नो ऑल दीज अदर कंट्रीज हैव बीन मोर लेस, यू नो मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका, दे हैव बीन एबल टू रिमेन मोर लेस एट द सेम लेवल, वेयर एज पाकिस्तान और बांग्लादेश यू नो लाइक इंडिया वी हैव बीन ग्रोइंग इन पॉपुलेशन. ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है टू नो. अच्छा नेक्स्ट जो है वो है GDP. तो GDP इज़ ऑलमोस्ट लाइक यू नो आप कह लें इकनॉमिक्स में मैंने सर्च की थी कि इट्स लाइक अ सिंगल इंडिकेटर विच टेल्स यू हाउ गुड एन इकॉनमी इज़ डूइंग एक तरह से, और इट्स लाइक इनकम आप कह लें एक कंट्री की इनकम होती है. तो इसमें यह है कि सबसे पहला फैक्टर ये देखें आप इंडिया की जो GDP है, ठीक है, 2000 तक आई वुड से 90s से पहले यू नो इट वाज ओके, मतलब बाकी कंट्रीज़ की तरह ही थी. 90s में आना शुरू हुआ उसमें इंप्रूवमेंट और 2000 के बाद तो पीछे छोड़ गया सबको, ठीक है. तो ये देखें इस वक्त ये 3 ट्रिलियन पे बैठी हुई है, इट्स ह्यूज. लाइक आई सेड यूके को ऑलमोस्ट टक्कर दे रही है राइट वाइल बींग इन सब कॉन्टिनेंट, वेर एज बाकी कंट्रीज़ आर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ GDP यहाँ पे, ठीक है. और आई थिंक इट वॉज पार्ट ऑफ इट वॉज रिलेटेड टू द .com bubble जो 90s मिड 90s में आया था. US वॉज यू नो USA में इसका था, लेकिन आई थिंक इंडिया वॉज पार्टिसिपेटिंग और उसके बाद मे बी इट बिकेम द मेन सप्लायर एज अ लो कॉस्ट रीजन वट एवर. इससे बहुत IT का सेक्टर है जो हमें पता है इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा उसमें यू नो इन्वॉल्व है थ्रू आउट द वर्ल्ड. अच्छा इस राइट साइड पर अगर आप आएँ तो ये वही व्यू है GDP का, बट दिस इज़ पर कैपिटा. पर कैपिटा मीन्स के जो टोटल आपका है ना इनकम समझ लें, वो अगर आप बंदों पर डिवाइड करें ना तो हर बंदे को अगर इक्वली देना चाहें आप तो कितना दे सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आप देखें सिंगापुर जो पीछे छोड़ा था सबको बिकॉज ऑफ द फैक्ट के अब सिंगापुर की GDP पाकिस्तान जितनी है, ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इफ अगर वो चाहे ना तो $70,000 एक बंदे को मिल सकते हैं इफ इट वॉज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है. तो दैट्स ह्यूज. और बाकी कंट्रीज़ को देखें आप ये कहाँ पे यू नो 1500 डॉलर इस पर बैठी हुई, ठीक है. मलेशिया इज स्टिल मच बेटर. तो इसकी मेन वजह ये है कि इन लोगों की पॉपुलेशन कम है, सेम GDP एज पाकिस्तान लेकिन पॉपुलेशन इज 20 times लेस ऑलमोस्ट. तो आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का इम्पैक्ट है ऑन द वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल्स, ज़ाहिर है एक लिमिटेड इनकम हो तो जब आप डिवाइड करते हो ज़्यादा लोगों में तो नॉट एवरी वन कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. और इसी तरह अगर आप ये देखें हमारी अगर ये आउटलायर्स हैं पर कैपिटा में अगेन इनकम पर हेड, उसमें अगर आप मलेशिया और सिंगापुर को निकाल दें तो पीछे रह गए हैं जी हमारे पास ये कंट्रीज रह गई इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान. इनमें अगर आप देखें तो इसमें मेनली ये है कि पाकिस्तान वॉज ट्राइंग टू वो एट टाइम्स ओके इंडिया के साथ था, ठीक है, बट लेटली आप देख सकते हैं कि यू नो वी आर लैगिंग बिहाइंड बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू कीप अप द इकोनॉमिक इनकम विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है. ज़ाहिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों इफेक्ट होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस रेट से हमारी इकॉनमी इंप्रूव हो रही है उस तरह हमारी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, दिस वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. अच्छा नेक्स्ट जो है नाउ दिस इज ट्रेड. अब ट्रेड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट, हम सुनते रहते हैं ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट होता है कि जी आप कितना एक्सपोर्ट करें माइनस कितना इंपोर्ट करें. जैसे अगर आप 5 चीज़ें इंपोर्ट करें लेकिन फिर 10 चीज़ें एक्सपोर्ट करें दुनिया को तो आपका नेट पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट होगा, यू विल बी अर्निंग मोर देन वट यू आर स्पेंडिंग. और अगर नेगेटिव है ट्रेड डेफिसिट तो यू नो इट्स अदर वे अराउंड, यू आर बाइंग मोर देन यू आर स्पेंडिंग. सो अगेन सिंगापुर मलेशिया दे हैव बीन एबल टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी पॉजिटिव डेफिसिट. आई मीन सिंगापुर तो 125 बिलियन पे बैठा हुआ है, अमेजिंग, ठीक है. और मलेशिया भी 25 बिलियन पे बैठा हुआ है, यानी कि हर साल 25 बिलियन डॉलर्स का उनको फ़ायदा होता है, ठीक है, एक तरह से अगर आप ऐसे कैसे कह सकें इकॉनमी में दे सेल मोर देन दे बाय. पाकिस्तान जो है वो पहले मतलब ऑन एंड ऑफ रहा है 0 के आसपास, यानी कि लेकिन लेटली जो है ना 2000s में से इट्स गॉन नेगेटिव, ठीक है. इंडिया ऑब्वियसली इज़ वेरी नेगेटिव बिकॉज उसकी प्रॉब्ली इंपोर्ट नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, बट देन अगेन अगर आप वो मैंने चार्ट यहाँ पे शेयर नहीं किया, लेकिन अगर आप एज अ रेशियो ऑफ GDP देखें तो इंडिया कैन अफोर्ड बिकॉज उसकी इनकम और जगह से बहुत आ रही है, ठीक है. उसमें यू विल सी कि पाकिस्तान इज़ बिट वर्स ऑफ, ठीक है. दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पे ये है कि हम कहते हैं ना यार इंपोर्ट्स ख़राब हैं एक्सपोर्ट्स ही होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है. एक्चुअली इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों जो है ना वो जॉब्स क्रिएट करती हैं एंड दैट्स एन एक्टिविटी ऑफ अ वाइब्रेंट इकॉनमी, ठीक है. अब आप इनको देखें ज़रा इस चार्ट पे एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट्स हैं, ये जो ऊपर है ना डेफिसिट इसको ब्रेक डाउन किया एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. इसमें आप देखें कि ये जो है इंडिया श्रीलंका और मलेशिया को देख रहे हैं, सॉरी सिंगापुर मलेशिया, यू नो दे इम्पोर्ट क्वाइट अ बिट एंड देन दे ऑल्सो एक्सपोर्ट क्वाइट अ बिट.
नेट जो है आप देखें 125 बिलियन पे है, यानी कि दे स्टिल आर एबल टू एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट बट स्टिल हैविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट 600 बिलियन। ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि इट्स अ फ्री इकोनॉमी। यू नो पाकिस्तान में अगर आप हो और आपने अपने पैसे बाहर भेजने हो, लेट्स से इस्लाम लोग ओवरसीज पाकिस्तानी दोनों तरफ हमारे अकाउंट्स हैं, यहाँ पे अगर कुछ अर्न किया है आप वापस भेजना चाहते हो तो एक टेंशन शुरू होती है बिकॉज रेड टेप इतनी है, डॉलर हमारे पास है नहीं, तो एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव इकॉनमी है। वेर इज आई एम श्योर सिंगापुर में आप होंगे तो बटन दबाएंगे तो यू नो देर इज़ नो इशू फॉर ट्रांसपोर्टिंग मनी बिकॉज दे हैव मोर इन द रिजर्व्स एंड एवरी ईयर दे आर गेटिंग मोर राइट एंड दे आर एबल टू इम्पोर्ट वर्थ 600 बिलियन एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट मोर देन दैट। इन्हीं उसमें ये भी आया था अगर आपने अच्छी चीज़ बाहर से कोई इम्पोर्ट करनी हो बड़े आप फ्रीली कर सकते हैं, पाकिस्तान में वो इशू नहीं है। अभी देखें ना अभी लेटेस्ट जो रुपया है जिसे कह रहे हैं कि गिर रहा है इम्प्रूव हो रहा है वो एक्चुअली इन्होंने इम्पोर्ट रोकी हुई है, इम्पोर्ट की पेमेंट रोकी हुई है। तो दो आर द काइंड ऑफ इशूज़। खैर दिस वॉज द ट्रेड व्यू। अच्छा अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है एंड आई थिंक दिस इज़ वन की रीज़न वाई यू नो इन दिस कंपेरिजन इंडिया मलेशिया एंड सिंगापुर हैव बीन सक्सेसफुल डिस्पाइट सम ऑफ द एरियाज लाइक पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है और यू नो इम्पोर्ट्स भी इंडिया की नेगेटिव हैं। आई थिंक दिस इज़ एन एरिया वेयर दीज कंट्रीज हैव एक्सेल्ड। और ये होती क्या है, ये मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन डाली इधर, ठीक है इस पर आते हैं टेररिज्म पे, इस पर डाली है मैंने कि फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाई अ कंपनी इन टू अ फॉरन कंसर्न। बेसिकली जिस तरह आपकी वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो यहाँ पे आके ब्रांचेस खोलती हैं या फिर वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को टेक ओवर कर लेते हैं, बेसिकली देयर आर इन्वेस्टर्स इंटरनेशनली हु हैव एन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन योर कंट्री बिकॉज दे सी पोटेंशियल विदाउट एनी अदर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये आप देखें ओवर द ईयर्स यहाँ पे सिमिलर थी, लेकिन उसके बाद सिंगापुर को देखें, फिर उसके बाद ये 2004 के बाद इंडिया को देखें, ठीक है, और मलेशिया को, दे हैव बीन एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेरी नाइसली, ठीक है। और अभी सिंगापुर तो भी छोड़ गया सबको यहाँ पे, ठीक है। और ये इन्वेस्टोपीडिया का नोट ये भी कहता है कि US और चाइना आर ऑल्सो वेरी बिग यू नो अट्रैक्टर्स ऑफ FDI, यानी कि US और चाइना के अंदर भी फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट करी हैं, दे आर ओपन टू इट। सो दिस इज़ वन एरिया वेर वी शुड डेफिनेटली लुक इन टू एज समथिंग विच विल हेल्प अस। अब यहाँ पे देखें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि यू नो यहाँ पे पाकिस्तान सडनली 2003-04 में रैंप बहुत ज़बरदस्त आ रहा था, ठीक है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, वी आर गोइंग आई मीन दिस इज ब्रिलियंट राइट, वी आर गोइंग समवेयर बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, ठीक है। अब कह सकते हैं इंडिया को फॉलो कर रहे थे हम एक तरह से, हालांकि टोटल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा, लेकिन नेवर द लेस ट्रेजेक्टरी थी। लेकिन फिर ये क्या हुआ कि मैंने हाईलाइट यहाँ पे कि ये वो हैं ईयर्स ऑफ टेररिज्म, हमें पता ही है 2008 से लेकर 2016 तक डिज़ास्टर्स, ठीक है, बहुत मसले हुए पाकिस्तान में, 70,000 लोग शहीद हो गए और ये प्रॉब्लम जो थे इनकी वजह से, दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड, दिस प्रॉब्लम इज अ डायरेक्ट अपोजर ऑफ FDI, आई मीन जिस कंट्री में टेररिज्म हो, इंस्टेबिलिटी हो, वहाँ पे कौन इन्वेस्ट करता है। सो दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू सी के यार अच्छे खासे यू आर गोइंग समवेयर और फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा ये एक बहुत और इंटरेस्टिंग है जी, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में किस तरह की चीज़ें आती हैं, इसमें आपका आता है हेल्थ केयर, ठीक है, ये तो हेल्थ केयर का चार्ट है, आई टॉक अबाउट दैट। हेल्थ केयर क्या है, हेल्थ केयर इज़ लाइक यू नो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करी फैसिलिटीज़ टू इट्स सिटीजन्स, ये गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल आप कह लें या बाकी फैसिलिटीज़, उसके अलावा लिटरेसी रेट है और पॉवर्टी रेट है। तो हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि सिंगापुर इज़ डूइंग ग्रेट, ठीक है, अगेन लाइक आई सेड सेम GDP एज पाकिस्तान, सिर्फ द फैक्ट उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे जो रेजिडेंट है उसको $2,500 साल का गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है, 6-7 लाख, आई मीन दैट्स प्रीटी गुड। हम लोग वेरियस और मलेशिया इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी मच बेटर, वेरियस बाकी जो हैं हम इंडिया ये बाकी जो कंट्रीज हैं अगर आप देखें तो वी आर यू नो मैक्सिमम $40 ऑफर कर सकते हैं इस वक्त, ठीक है। तो आई मीन जस्ट पीनट्स एज कम्पेयर टू दिस, बट इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द अमाउंट ऑफ विद द पॉपुलेशन, ठीक है। अब आई अंडरस्टैंड ये 2019 का डेटा है और अभी वो हेल्थ कार्ड वगैरह आया था, बट यू नो एक शॉर्ट टर्म में आप जज नहीं कर सकते, ये सिंगापुर को देखें कंसिस्टेंटली देता रहा, सो दैट्स वेयर वी आइडियली शुड बी, बट आप देख सकते हैं इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया भी $50 से ज़्यादा नहीं दे सकता। सो द पॉइंट इज़ कि दिस डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉपुलेशन, बट दिस इज टेलिंग अस कि अगर आपकी पॉपुलेशन लिमिटेड हो फिर अगर आपकी इनकम इंक्रीज भी होती है तो देन यू नो रेजिडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है डेफिनेटली। अब इस तरह लिटरेसी रेट पे आ जाए, अब ये देखें ये लिटरेसी रेट की डेफिनेशन है कि कोई बंदा जो है, हम इस ऐसे ऐसे कहते हैं पढ़ा लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदे ने PhD की हो। द पॉइंट इज़ कि इफ़ समवन कैन, डेफिनेशन थी ना इसकी कि समवन कैन राइट अ पैराग्राफ अबाउट देमसेल्व्स एक्सप्लेनिंग देमसेल्व्स एक्सेट्रा, सो वो लिटरेसी रेट है, कितने लोग कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि सिंगापुर जो है यू नो वेरी क्विकली स्टार्टेड ऑफ, ये दोनों हाई थे मलेशिया सिंगापुर श्रीलंका,
you know, and then they are approaching 100% literacy rate, which is great, right? Whereas India or Bangladesh or Pakistan पीछे थे, India was better than us. और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश सडनली इम्प्रूव हुआ बिटवीन 2014 एंड 17. इट वेंट टू इंडियाज़ कर्व एंड पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज़ अराउंड 50%. सो ये डायरेक्टली यू नो रिलेटेड है इससे. अगर आप पढ़े लिखे, लिटरेसी का मतलब इफ़ पीपल आर एजुकेटेड दे कैन देन डू मोर, दे कैन डू जॉब्स विच आर बेटर पेइंग एंड बिजनेसेस, तो उससे फ़ायदा होता है यू नो कंट्री का. और इसी तरह पॉवर्टी है, पॉवर्टी में एक इसमें ज़बरदस्त चीज़ है कि मलेशिया को आप देखें 30% से स्टार्ट हुआ था. पॉवर्टी की डेफिनेशन है जी नंबर ऑफ पीपल, परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर अर्निंग लेस देन $5.5 अ डे. तो ये 30% थे लोग उस वक्त शुरू में 1977 में, और अब वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, मतलब एलिमिनेट कर दी मलेशिया ने, ठीक है, पॉवर्टी, विच इज़ ग्रेट. श्रीलंका 80 से स्टार्ट हुआ था, इट्स ऑल्सो इट वॉज गोइंग डाउन, अनफॉर्चुनेटली अभी वो डिफॉल्ट कर गया, लेकिन नेवर द लेस इस एरिया में यू नो इट वॉज डूइंग वेल. और जो बाकी है हमारा, आई थिंक बाकी चीज़ें अगेन श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, दैट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि यू कैनॉट इंश्योर कि हर बंदा यू ना कैन गेट अप टू दिस नंबर. उसके लिए यू रियली हैव टू डू वेल. बट आई वुड से कि अगर इंडिया इज सिटिंग विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, इट्स स्टिल सिटिंग यू नो क्लोज टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, तो क्रेडिट गोज टू देम के दे आर, अगर आप नंबर ऑफ पीपल देखें ना हु आर इंस्टेड ऑफ परसेंटेज हु आर अबव द पॉवर्टी लाइन, दे वुड बी मैनी मैनी मोर पीपल, ठीक है, इन इंडिया. ओके, सो ये ह्यूमन डेवलपमेंट में इसमें वी आर लैगिंग, आई वुड से स्टिल सम रूम टू मेक. अच्छा, फिर आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन होती है महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि कितने लोगों के पास जॉब नहीं है. अच्छा, इसमें ये है कि इंटरेस्टिंगली 1990 से लेके यू नो 2010 तक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम थी, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है. और अब इसमें ये भी एक फ्लिप साइड है कि जिन कंट्रीज़ में यू नो लोग कम है या जिनकी GDP नेट GDP पर कैपिटा बेहतर है, उसमें पीपल कैन अफोर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड. जैसे इंग्लैंड है, यू नो आप वो स्टेट बेनिफिट देती है एक्सेट्रा, पाकिस्तान में वो कॉन्सेप्ट नहीं है. बट नेवरदलेस यू नो एज फार एज अ मैटर इज कंसर्न, इट वॉज गुड, इट वॉज बेटर देन अदर्स. और बाद में फिर ये कन्वर्ज किया, ठीक है. इंडिया इंटरेस्टिंगली वॉज एबल टू रिमेन 6% थ्रू आउट, ये बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है. आई डोंट नो हाउ दे डिड दैट. और यू नो श्रीलंका जो है वो बड़े हाई पे था पहले, और अभी यू नो ओवर टाइम अगेन डिफॉल्ट से पहले इट वॉज एबल टू यू नो डू अ गुड जॉब, और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए नीचे आया था. और इन्फ्लेशन में अगर आप देखें तो देर हैव बीन फेजेस. पाकिस्तान है ये ग्रीन वाला है, ठीक है, इज जनरली बीन ऑन द हायर साइड. जिस तरह 74 में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, ये वो है जिस तरह आजकल हो रही है ना, जो स्टार्ट में नहीं है बिकॉज 2020 तक है. लेकिन लेटली ये है कि ओवर सिंस 2018 यू नो पाकिस्तान हैज़ बीन द हाइस्ट अमंग दीज कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं महंगाई यहाँ पे हो गई है. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है चार्ट IMF का, ठीक है. अब IMF में क्या है कि ये है टोटल लेटेस्ट सिचुएशन इस वक्त 2019 तक, ठीक है. लेफ्ट साइड पे है कि ये टोटल लोन कितना लिया गया है अभी तक टू डेट, और राइट साइड पे है कि अभी कितना वापस करना रह गया है, जो इतना लोन लिया उसमें से कितना वापस, दो तीन तीन साल की शर्तें होती हैं इनकी ना, कि वापस करना रह गया. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया ने टू डेट 5.5 जैसे 6 बिलियन का लिया था, और इस वक्त कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं, सब वो पे कर चुके हैं, ठीक है. मलेशिया और सिंगापुर ने कभी लिया नहीं लोन, तो उन्होंने देना क्या वापस, ठीक है. क्रेडिट टू देम, वो इंडिपेंडेंट रहे हैं, दैट्स ग्रेट. श्रीलंका का लोन था और उसने लिया तकरीबन 3.5 बिलियन, और अभी इसका 800 मिलियन ये रहता है. और आपके पास बांग्लादेश जो है उसने भी यू नो तकरीबन लेट्स से 2.5-3 बिलियन लिया था, और उसका भी थोड़ा सा रहता है. पाकिस्तान का जो आउटस्टैंडिंग है अभी भी 5 बिलियन है. तो यू नो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा लोन लिया है 15 बिलियन का, अभी 5 बिलियन देना वापस है. अगर आप हिस्ट्री ऑफ लोन्स देखें और फ्रीक्वेंसीज, तो ये देखें 1957 से स्टार्ट करते हैं हम, और आप इस कलर्स को फॉलो करें आप, तो इंडिया आप देख सकते हैं 57 में, 62 में, 65 में, उसके बाद बड़ी खामोशी, फिर 81 में एक लिया, और फिर उसके बाद 91 में. तो इट लुक लाइक कि यू नो ये सोच समझ के जा रहे थे. आई थिंक इमरजेंसी भी लगी हुई थी, मैंने ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन उन्होंने लोन नहीं लिया इतना, और बहुत कम फ्रीक्वेंटली लिया, ठीक है. और उसके बाद अगर आप पाकिस्तान को देखें और बांग्लादेश को भी आप देख लें यहाँ पे, ठीक है. पाकिस्तान को तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते रहे हम, एवरी अदर ईयर ऑलमोस्ट यू नो जाते रहे हैं, और फिर कुछ बड़ी इंस्टॉलमेंट्स भी थी, ठीक है. इस तरह बांग्लादेश भी लेता रहा लोन, ठीक है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोन नहीं लिए जितने हमने लिए, ठीक है. दस वेरी इंटरेस्टिंग कि हमें की जरूरत पड़ी लेने की इतने ज़्यादा लोन. और उसके बाद अगर आप रीपेमेंट की बात करें तो 97 से लेकर 2009 तक हर कंट्री क्लीन रही है, जो लोन लेते थे वापस कर देते थे, विच इज़ फाइन. बट पाकिस्तान लेटली 13 के जो लोन लिया था वो वापस नहीं किया अभी, और 19 वाला भी नहीं किया, तो हैंस दैट मेक्स दिस 5 बिलियन.
तो आई डोंट नो ये वापस क्यों नहीं किया हमें। अब ये चीज़ें जो हैं ये ना करें तो इससे फिर रेटिंग कंट्री की ख़राब होती है, और फिर वो जो एफ डी आई मैं क्या थ्रो बाकी चीज़ें वो सब चीज़ें से रिलेटेड हैं यू नो, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो हेयर से पे नहीं जाके करते इन्वेस्ट, वो के पी आईज देखते हैं, मेट्रिक्स देखते हैं, उनमें जब नज़र आ रहा होता है कि ज़रा सा भी चांस है प्रॉब्लम का तो फिर कंट्रीज नहीं आती इन्वेस्ट करने। तो ये आई एम एफ डेट बिहेवियर भी वॉज नॉट वेरी हेल्दी। अच्छा अब आ जाते हैं डिफेंस पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यू नो अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देखें तो इंडिया हैज़ रियली बीन स्पेंडिंग टू मच ऑन डिफेंस। तो अब आई सपोज उसको इट टेक्स चाइना एंड पाकिस्तान एज फोर्स जो मेन थ्रेट्स हैं, बट इट स्टिल और मैन मे बी इट हैज़ मनी टू स्पेयर, दैट्स व्हाई इट्स स्पेंडिंग सो मच यू नो 70 बिलियन। पाकिस्तान 4-5 बिलियन पे बैठा हुआ है ठीक है। अच्छा और उसके बाद अगर आप देखें कि पाकिस्तान ने जो कहते हैं अपनी जेब के मुताबिक कितना स्पेंड किया, तो पाकिस्तान हैज़ बीन द बिगेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस एज अ परसेंट ऑफ जी डी पी, आप देख सकते हैं थ्रू आउट रफली ऊपर ही रहा है, और अभी भी यू नो लेस्ट ईयर में ऊपर लेटेस्ट ईयर में भी ऊपर ही है। बट हैविंग सेड दैट, दैट डजंट मीन कि कोई मर्जी से स्पेंडिंग हो रही है या कोई करप्शन है। द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखें, ये मैप देखें आप, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है कि हमारे तीन जो हैं नेबर्स उनसे इतनी बनती नहीं हमारी। अब इट वुड बी ग्रेट अगर चारों कंट्रीज हारमनी में रह सकती तो यू नो ना इंडिया को इतना स्पेंड करना पड़ता ना पाकिस्तान को ठीक है। बट एनीवेज अफगानिस्तान यहाँ पे वी हैव बीन अ प्रॉक्सी कंट्री और हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल मसले हैं, तो ज़ाहिर है ये एक नेसेसरी स्पेंडिंग है। ये डिफेंस स्पेंडिंग वो नहीं है कि आपने यू नो बजट पास कराए और आपने अपनी जेब में डाल लिए पैसे, ये वो है समझ लें कि हमने करना ही करना है, वरना इफ़ यू आर नॉट ऑन योर टोज देर आर प्रॉब्लम्स, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल उसकी हिस्ट्री क्या है जो भी है, लेकिन द फैक्ट इज़ कि वी नीड टू स्पेंड दिस, बट हमारी पॉकेट डीप होनी चाहिए, दैट्स द की राइट। इंडिया को देखें आप 70 बिलियन तक करें, आई एम अगेंस्ट वॉर ऑल टुगेदर, मेरे नज़दीक तो ये होनी नहीं चाहिए ठीक है। कंट्रीज़ शुड बी वाइज इनफ टू डू सम अदर थिंग्स, ह्यूमैनिटी शुड बी वाइज इनफ टू डू अदर थिंग्स रादर देन स्पेंड मनी ऑन वेपन्स, लेकिन द नेवर द लेस लाइक आई एम सेइंग हियर यू नो इंटरनेशनल वॉर मॉन्गर्स की ईद है, तो लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमारी पॉकेट्स डीप नहीं है, बट दिस इज समथिंग वी हैव टू स्पेंड। तो फिर लगता है ऐसे है कि परसेंटेज ऑफ आर जी डी पी ये ज़्यादा है। आइडियली जिस तरह सिंगापुर ने, अब सिंगापुर ने पॉपुलेशन कम है तो दे हैव द सेम डिफेंस बजट एज अस ठीक है इन जनरल यहाँ पे अगर आप देखें, बट उनकी जी डी यू नो बट दे आर एबल टू दे डोंट हैव मैनी पीपल, सो इफ दे वॉन्ट दे कैन इंक्रीज द बजट ईजिली। हम इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, हमें अपनी इकॉनमी इंप्रूव करने की ज़रूरत है ताकि यू नो ये प्रॉब्लम्स ना आए कि जी डिफेंस बजट जो है ये कोई आउटलैंडिशली हाई है एज अपोज टू जो आपकी नीड्स हैं। ये इस वक्त अनफॉर्चुनेट है, हु वॉन्ट्स टू स्पेंड मनी ऑन टैंक्स, लेकिन यू नो करना पड़ता है, जस्ट इट्स एन आर्म्स रेस। तो आई होप द सिचुएशन इम्प्रूव्स एंड सैनिटी प्रिवेल्स। अच्छा फिर अगर क्राइम पे आए, ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगेन क्राइम परसेप्शन इज रिलेटेड टू क्राइम एंड करप्शन भी है मेरे पास यहाँ पे ठीक है, ये करप्शन इंडेक्स है, सॉरी मैंने यहाँ लेबल नहीं किया, क्राइम एंड करप्शन बोथ। ये दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो बात मैं कह रहा था कि इसकी अगर क्राइम ज़्यादा होगा या फिर करप्शन परसेप्शन ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान हैज़ बीन ऑन द हायर साइड थ्रू आउट, लेकिन ये रेंजर्स का ऑपरेशन था 2016 का, तो 2015 इस पॉइंट पर रफली शुरू हुआ था, और आप देख सकते हैं ये डिप जो आई है ठीक है क्राइम में। तो ये दिस मीन्स कि ये जो सारे का सारा है इट वॉज डोमिनेटेड बाई कराची, वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, टारगेट किलिंग्स और यू नो भत्ताखोरी और यू नो हम पता ही प्रॉब्लम से मोबाइल स्नैचिंग और ना मोबाइल दिया तो गोली मार दी, ये बड़े मसले थे उसमें। अब ये क्रेडिट टू द रेंजर्स के ये काम हुआ और उससे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। अब देख सकते हैं अब हम क्लोज हैं टू अदर कंट्रीज़। और करप्शन की अगर बात करें, ये है जी परसीव्ड करप्शन इंडेक्स, इसमें ये दुनिया की ये जो है ना डॉटेड लाइन, दिस इज़ लाइक द वर्ल्ड मीडियन, इज़ लाइक 50% ऑफ कंट्रीज़ आर अबव दिस लाइन एंड 50% आर बिलो। अनफॉर्चुनेटली अगर आप लेटेस्ट सिचुएशन देखें तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर ऑन द हायर साइड, वेयर एज बाकी कंट्रीज इंडिया इज राइट ऑन द मीडियन एंड बाकी कंट्री, सिंगापुर तो है नहीं करप्शन छोड़ने तो सफाई है सर, तो बाकी कंट्रीज आर बिलो दिस, तो ये भी हमें यू नो इम्प्रूव करना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट माई फाइनल टेक अवेज फ्रॉम दिस, जो ये स्टडी करके मुझे आइडिया हुआ है ठीक है। मुझे ये फीलिंग आई है कि यू नो इट हैज़न्ट बीन अ पाकिस्तान हैज़ बीन अ ट्रेन रैक, वी हैव बीन हैंगिंग इन देयर, देयर आर सम थिंग्स विच आर स्टिल यू नो, मतलब मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ट्यूकिंग की ज़रूरत है और चीज़ें सही फिट हो जाएंगी। हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो हार्ड अगेंस्ट करप्शन, जैसे चाइना ने किया राइट, दैट्स वन थिंग, करप्शन ख़त्म होगी तो फिर दैट्स द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रस्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स ठीक है। और उसके बाद जो हमारी यूथ की पॉपुलेशन है, यानी कि हमारे जो लोग हैं हम उनको एज एसेट्स यूज़ करें ठीक है,
रादर देन अ लाइबिलिटी। अब चाइना जो है दैट्स द बिगेस्ट एग्जांपल, उसमें इन्होंने क्या किया है कि बजाय इसके कि हर बंदे को पीएचडी करा दें, वो भी कह सकते थे यार हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, अब देखिए उन्होंने कैसे पलटा है सीन। उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग दे दे के ना लोगों को स्पेशलाइज वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि टेक्नीशियंस वगैरह बनाया है, तो दे आर एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू नो दे आर यूजिंग मैन पावर इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और द अदर वेस्टर्न कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड सी चाइना एज अ चीप प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स, ठीक है, तो वो उन्होंने स्ट्रेंथ यूज़ किए। उसके अलावा आप सिंगापुर की एग्जांपल है जो कि सर्विसेज, आप कह सकते हैं कि यू नो सर्विसेज को उन्होंने वाइट कॉलर आप कह लें जॉब्स जो हैं उन्होंने बनाई हैं, उन्होंने एजुकेशन इम्प्रूव की है। तो माई पॉइंट इज़ कि जो हमारी यूथ है वी हैव अ ह्यूज बैंड ऑफ यंग पीपल इन आर पॉपुलेशन, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट करें, ठीक है, ताकि दे कैन डू स्किल्ड जॉब्स जो ज़्यादा पैसे भी देती हैं, दे कैन डू देयर ओन बिजनेसेस, तो इससे इकॉनमी इंप्रूव होगी, ठीक है। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या था कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि दिस इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ सक्सेस, तो वी हैव टू ट्रैक दैम। इंडिया, चाइना, यूएस हमारे सामने एग्जाम्पल है, सिंगापुर और मलेशिया ने टू से द लीस्ट, वो मैंने यहाँ मैंशन नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट ये बिगेस्ट वो हैं, ये वी शुड अट्रैक्ट दिस जिस तरह मर्जी हम कर सकें। ज़ाहिर है इसकी कुछ हो सकते हैं इकोनॉमिक डाउन साइड भी, लेकिन एटलीस्ट जो ऑन पेपर राइट नाउ सिचुएशन है इसकी, जिन जिन कंट्रीज़ ने FDI को अट्रैक्ट किया है दे हैव बीन सक्सेसफुल, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल गोज विदाउट सेइंग, राइट, मलेशिया सिंगापुर की एग्जांपल आपके सामने, GDP हम जैसा है, लेकिन यू नो इंडिविजुअली दे आर मच मोर कम्फर्टेबल देन अस, ठीक है, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन कम है। और दूसरा ये कि टैप इनटू नेचुरल रिसोर्सेज एंड स्ट्रीमलाइन द एग्जिस्टिंग वंस टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ रेवेन्यू, राइट, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट रेवेन्यू, नॉट एक्सपोर्ट ऑफ रेवेन्यू, दैट्स द लास्ट थिंग वी नीड। सो द पॉइंट इज के दीज आर द थिंग्स आई थिंक इफ यू वर्क ऑन वी कैन डू अ ग्रेट जॉब एंड यू नो द नेक्स्ट 25 ईयर्स आई होप वुड बी मच बेटर। यू गाइस होपफुली आपको ये प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी, आई सर्टनली फाउंड इट वेरी यू नो इंट्रीगिंग, ये डेटा देख के यू नो बातें लोग ज़ाहिर है लाइक सेड अर्लियर लोग बातें करते हैं जी पाकिस्तान इज़ डूइंग वेल, या जी पाकिस्तान में कोई पोटेंशियल नहीं है, या यू नो हमने सिर्फ खाया ही है, लेकिन इट हैज़ बीन अ मिक्स बैग, देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स, लेकिन मुझे लगता है कि इसको देख के ना डेफिनेटली जो आप सुनते हैं ना बात के वी हैव पोटेंशियल वी कैन डू बेटर, आई कैन सी दैट नाउ, यू नो इट हैज़न बीन अ ट्रेन रैक, और अगर हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करें तो ऑनेस्टली से करें, लीडरशिप को चाहिए कि यू नो वो सीरियस हो जाए इन चीज़ों पर, सेल्फिश जो हमारे हैं पर्सनल मोटिव्स और गेंस उसके बजाय कंट्री का सोचें और फ्यूचर जनरेशन का सोचें, सो वी कैन डू अ ग्रेट जॉब। एनी फीडबैक वुड बी वेलकम स्पेशली फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, अगर आपकी फील्ड है और आप वो इनपुट देना चाहें तो कमेंट्स में प्लीज़ फील फ्री टू ऐड, आई वुड अप्रिशिएट इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब लोग अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।